नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरें। झारखंड के निरसा में सरकार की हुई एक साल, किसी ने कहा बेमिसाल तो किसी ने कहा निकम्मी है ये सरकार। निरसा झारखंड राज्य में जेएमएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार आज अपना कार्यकाल पूरा एक साल पूरा कर लिया है। झारखंड में हेमंत की सरकार को जिस वादे से सत्ता में जनता ने सुशोभित किया है, क्या उस वादे पर झारखंड सरकार खरी उतर पाई या नहीं। झारखंड खनिज संपदा वाली राज्य है और वर्तमान की हेमंत सरकार अपने कार्यकाल 29 दिसंबर को एक वर्ष पूरा कर चुके हैं। बीते एक वर्षों में झारखंड की सरकार अपने वादों में कितने खरे उतरे हैं, आइए हम जानते हैं कुछ लोगों से कि इस सरकार के प्रति बात की उनकी क्या भावना है और क्या प्रतिक्रिया है। धनबाद जिला ब्यूरो मलय गोप की रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा के जो एक साल का कार्यकाल रहा, उसे सरकार के द्वारा जो भी, क्योंकि कोरोना का इफेक्ट बहुत ज़्यादा रहा और ये पूरे देश में या पूरे विश्व का समस्या है, इस परिस्थिति में भी सरकार जो वादे हैं उसको निभाने के काम किया, निभाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आशा करते हैं, जिस हमने हेमंत सरकार को अगले बार भी, हम लोग 1.5 साल जब वो थे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, तब उस समय भी हम लोगों ने देखा था जो किस तरीके से उनकी कार्यशैली है, वो किस तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आशा करते हैं जो उनके जो भी वादे हैं इलेक्शन में, वो अगला 5 साल में पूरा करेंगे और झारखंड उनके नेतृत्व में आगे बढ़े। झारखंड का सरकार का एक साल कार्यकाल बेमिसाल रहा है, क्योंकि सत्ता संभालते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार विश्व आपदा कोरोना को लेकर के जो एक सभी हुई रणनीति के तहत इन्होंने सामना करने का काम किया, सीमित संसाधन के होते हुए भी पूरे भारतवर्ष में सबसे अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में ये उभर करके सामने आए। निश्चित रूप से अभी जो आंकड़ा अन्य प्रदेशों में कोरोना को लेकर के अंकित किया गया, उसके बनिस्पत झारखंड में काफ़ी कम रहा, मृत्यु दर भी काफ़ी कम रही। इससे यह साबित होता है कि माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड सुरक्षित है। उसके बावजूद लॉकडाउन में जिस प्रकार से मजदूरों को सुदूर क्षेत्रों से लेकर के अन्य जहां आवागमन की सुविधा नहीं है, वाहनों का आवागमन काफ़ी दुर्लभ है, लेह लद्दाख जैसे जगहों से लोगों को हवाई जहाज से लेकर के मजदूरों को लाने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सभा में कही थी कि हम हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में देखना चाहते हैं, लेकिन इस वैश्विक महामारी में माननीय प्रधानमंत्री मौन रहे, चुपचाप रहे, किसी भी प्रकार का नहीं देखा गया कि जो बात वो उन्होंने सभा में कही थी कि हम हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में लेकर के चलेंगे, एक बस तक नहीं दे पाए। सर, आपका शुभ नाम और आपका? रमेश टुडू, जिलाध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा, धनबाद। तो आप क्या कहना चाहते हैं? एक साल जेएमएम सरकार की पूरी हो रही है और हेमंत जी बहुत लंबा चौड़ा बात बोल रहे हैं कि हम ये किए हैं, सो किए हैं, लेकिन वैसा कुछ विकास हो या कुछ भी हो जनहित में राज्य में, ऐसा कुछ काम ही नहीं हुआ है। उनका कथनी और करने में बहुत अंतर दिखा इस साल में। चुनाव साल में, जब चुनाव से पहले वो लोग माननीय जो सीएम साहब हैं वो घोषणा पत्र में बहुत लंबा चौड़ा बात बोले थे जनहित में राजहित में, लेकिन एक भी काम दिखने को नहीं मिला। जैसे आज विकास के नाम से कुछ नहीं हुआ है, कहीं एक भी काम बताएं कि इस साल में कौन सा विकास बड़ा काम हुआ है राज्य में। दूसरा बात है कि महिला असुरक्षित रही, लगातार महिलाओं के साथ जो दुर्घटना, महिला के साथ रेप का घटना, ये बहुत दुर्भाग्य की साली रहा। साथ ही साथ किसान विरोधी ये सरकार, किसान हित में जो किसान का जो लाभ डबल इंजन की सरकार में, जब माननीय रघुवंश जी सीएम थे उस समय किसान का अकाउंट में जो पैसा जाता था उनका, वो भी वो बंद करा दिए उन्होंने। महिलाओं के नाम से जो 1 रुपया में जमीन रजिस्ट्री होता था वो भी बंद करा दिए। रोजगार के लिए इस कोरोना काल में रोजगार देने का कुछ काम किए नहीं,
जो बेरोजगार होके बैठे थे और किसी तरह से अपना परिवार का जीवन चला रहे थे, भरण पोषण कर रहे थे, जैसे बालू भी बंद कर दिया लगातार। बहुत ऐसा है कि बोलने से सारा दिन में भी हम बोल के खत्म नहीं कर सकते हैं। इनका जो ये 2020 का जो साल रहा, ये इस राज्य के लिए दुर्भाग्य का साल रहा। ठीक है, कोविड महामारी आया, लेकिन उसके बावजूद हम लोग विधायक लोग को फंड नहीं मिला गया जो जनता में हम लोग काम कर सके। अभी कुछ दिन पहले कभी बोल रहे हैं कुछ देंगे, कभी बोल रहे हैं कुछ देंगे, लेकिन अगर वो पैसा मिल जाता तो जनता में भी हम लोग विकास का काम कर सकते, वो भी बंद कर दिया गया। मिला जुला के ये जो हेमंत जी का एक साल का जो सरकार, जन विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार, युवा विरोधी सरकार, रोजगार विरोधी सरकार, तमाम विरोधी सरकार ही नजर आया, बाद बाकी ऐसा कुछ भी देखने को नहीं। अभी ये वादे पे जो वादा किया था कि सरकार रहने पर वो नौकरी देंगे, इसमें आप क्या कुछ? हाँ, नौकरी दिए, दिखाए तो कितना, वही तो हम बोले कि इस साल में वो कौन सा ऐसा काम किए जो एक भी काम वो गिनाए। रोजगार के लिए बोले थे कि एक देंगे रोजगार, ये फॉर्म भेजिए, भरिए इतना भरिए, ये कर, कहीं एक भी नौकरी को नहीं मिला। आज भी राज्य का जनता लॉकडाउन के बाद बाहर जो गए थे, अभी राज्य में आए हैं, बहुत बाहर लौटे भी नहीं है, बहुत बाध होके लौट भी रहे हैं, लेकिन जो लौट नहीं पाए हैं उनको कौन सा रोजगार ऐसा दिया गया? कहीं तो ऐसा कहीं से किसी जिला से, पूरा राज्य में किसी जिला से एक संतुष्टजनक तो खबर आया नहीं कि सरकार से हमको इतना रोजगार मिला है, ऐसा तो कोई बात आया नहीं है। इसलिए ये जो साल रहा हेमंत जी का सरकार बनने के बाद, दुर्भाग्य का साल रहा, और जनता में कोई विकास नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, किसी तरह का रोजगार नहीं, ये टोटल जन विरोधी सरकार रहा।